देख रहे हैं वॉइस टू डेडी नेटवर्क और मैं आपका होस्ट सैयद उस्मान अली। गोलकुंडा किला बॉयज हाई स्कूल वनेसन 90 और 51 के फारिग तलबा की जानिब से अपने असातिज़ा इकराम के लिए एक तहनियती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में तलबा ने अपने असातिज़ा इकराम को शालपोशी और गुलपोशी के जरिए अपने दिली जज्बात का इजहार किया। वाकई इस मादियत को दौर में जहां नफसा नफसी का माहौल है और हर रिश्ता कमजोर होकर रह गया है, ऐसे माहौल में ऐसी तहनियती तकरीब की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और खासकर रफी साहब, सैफुल्ला खान साहब, रवी साहब, खाजा रवी साहब बहुत मेरे महबूबाई करते थे, तो मैं जरा एक टीचर का पेशा किया गया हूँ। और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल उमदा बाजार में एस सी फिजिकल साइंस के तौर पर काम कर रहा हूँ। بسم الله الرحمن الرحيم. चैन देती है किसे इंशा, गनीमत है कि हम सूरत यहाँ दो चार बैठे हैं, इन्हीं दो चार में हम असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं। चंद हमारे चंद साथी तो यहाँ से रुख्सत हो गए, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनकी मेहनतों को कबूल करे। और ये बच्चे जो आज ये हमारे जो स्टूडेंट्स 28 साल के बाद हमें याद रखकर यहाँ बुलाया है, एक हमारी तहनीती तकरीब की है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपने तमाम साथियों के साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे और उनके बीवी बच्चों को सलामत रखे, दुनिया की हज़ारों खुशियाँ देखना सीख पड़े। जहाँ पर भी जिस खिदमत पे हैं उस खिदमत को बेहतर अंदाज में खिदमत करके स्कूल का नाम रोशन करें। और यहाँ मसीन जहाँ पर भी रहेंगे बच्चे, लंदन में भी हैं और सऊदी अरब में भी हैं और कहाँ कहाँ हमें मालूम बहरहाल, तो आपका तारुफ भी हुआ और सब कसर अल्लाह के फजल से मौसूफ़ हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की दे और इस स्कूल को कायम और दायम रखे। हाई स्कूल गोलकुंडा जिंदाबाद पाइंदाबाद है। बोलिए सर, बोलिए नाम, बोलिए सर, आप कुछ बोलिए, आप अपना तारुफ कीजिए, अपना तारुफ मीडिया वाले हैं कुछ बोलना चाह रहे हैं मीडिया। मैं हूँ मोहम्मद सैफुल्ला खान, जो इसी गवर्नमेंट हाई स्कूल गोलकुंडे पर तकरीबन 27 साल मैंने सर्विस अंजाम दी है। अल्लाह का फजल है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकले हैं और आज अल्लाह का फजल मुझे खुशी इस बात की है कि अच्छे पोस्ट पर हैं, इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, यही एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। नाइन्टी वन बैच के जो लड़के हैं उनका शुक्रिया है, जो हम लोगों को मधु किया गया, हमें याद किया गया, जो यहाँ पर आए जब छोटे छोटे थे बच्चे, 89 में कमीशन लेने के बाद एनसीसी में, जब 89 में पूना को गया था बच्चों को लेकर, यहाँ के 13 लड़कों को लेकर गया था, जिसमें राशिद बेग है मेरा बच्चा जो यहाँ पर अब है, उन्होंने भी मेरे साथ कैंप में चले थे। तोना, परंदा, राजगढ़, 5000 फीट ऊंची पहाड़ी थी, उस तरह
ایک جوان باہر سامنے رہتا تھا، پیچھے میں رہتا تھا، پیچھے سے اوپر چڑھتے ہوئے اس طرح سے 15 دن کا کیمپ کر کے ہم لوگ پھر ٹرین سے واپس آئے 89 کے بعد، اور میں 25 سال NCC اسکول میں کرا۔ سیف اللہ خان صاحب بلائے، وہ پہلے NCC آفیسر تھے، مجھے بولے اعزاز رفیع یہاں پر سائن کرو، میں سائن کر دیا۔ اس کے بعد بولے جاؤ تم فوجی کی اولاد ہے، تم NCC کراؤ۔ تو اللہ کا کرم ہے، استادوں کی دعائیں ہیں، بچوں کی دعائیں ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ 89 میں کمیشن کے لیے گیا، اس کے بعد یہاں پر 25 سال ایز اے چیف آفیسر NCC کرا۔ اس کے بعد میں 2010 میں NCC اس اسکول کا جو ٹروپ نمبر 7 ہے میں وقار صاحب کو دیا، اور اس کے بعد اب میں 2012 میں ریٹائر ہو گیا۔ پربھتو اونت پاٹھشالا گولکونڈا اردو میڈیم ہائی اسکول، ఇక్కడ హుర్దు మీడియం అయినా కానీ చాలా మటుకు విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఇది గవర్నమెంట్ పాఠశాల అని ఎప్పటి నుండో ఇక్కడ స్ట్రెంత్ బాగానే ఉంది. ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ కూడా బాగుంది కాబట్టి విద్యార్థులు చాలా చక్కగా చదువుకొని ఎంతోమంది ఇక్కడ పైకి వచ్చారు. మొన్న మొన్ననే ఇప్పుడు ఈరోజు కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ చేశాము మేము. విద్యార్థులు 1991 లో చదివినటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా ఎక్కడెక్కడో దూర దూరంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు లండన్లో, దుబాయ్లో, సౌదీలో ఎక్కడెక్కడో వాళ్ళ పనుల్లో ఉండేసి ఉద్యోగాల్లో ఉండేసి కూడా వాళ్ళందరూ ఒక్కసారి గ్యాదర్ అయ్యి అందరూ ఒక దగ్గర చేరి తమ యొక్క కర్తవ్యాన్ని ఉపాధ్యాయులకు సన్మానం చేయాలి, మనం ఏంటో అని తెలుపుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అందరూ కూడా ఒకటి చేరి ఇక్కడ ఈ పాఠశాలలో ఈరోజు చక్కని ఫంక్షన్ ఏర్పాటు చేశారు. అందరు చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు, విద్యార్థులు తమ తమ పనుల్లో చక్కగా ఉండి తమ కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చుకుంటున్నట్లుగా ఇక్కడ మాకు అర్థమైంది. మీరు కూడా మిగతా వాళ్ళు కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే చదివి తమ యొక్క ఉన్నత స్థాయిని పెంచుకోగలరని నేను మనవి చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మాకు ఇక్కడ చాలా సంతోషంగా ఉంది, పిల్లలందరూ దూరం దూరం వచ్చారు, మేము గుర్తుపట్టకుండా వాళ్ళే గుర్తించి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ఎంతో చక్కగా మాకు గౌరవించి చాలా చక్కగా చూసుకున్నారు, అందుకే మేము జబ్ తక్ కే లియే దీజియే సబా ఆఫరింగ్ కో ఇజాజత్. అల్లా హాఫిజ్. జై హింద్.